नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टूटी फूटी आवाज़ में आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी खबर आप तक। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये श्वेता के जननायक लोकप्रिय गरीबों के हमदर्द और दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली और अपने क्षेत्र के विकास के पथ पर अग्रसर सरकार की योजनाओं को पास कराकर लाने वाले ज्ञान तिवारी श्वेता विधायक की तस्वीरें हैं और साथ में उनके साथ आला अधिकारी अखिलेश तिवारी डीएम और प्रशासनिक तहसील स्तर के तहसीलदार और एसडीओ उप जिलाधिकारी महोदय, काफ़ी लोगों का काफिला है। और आज ये बाढ़ के मद्देनज़र रखते हुए विकासखंड रेवसा के क्षेत्र में अनवरत, चाहे वो रामपुर मथुरा हो और चाहे गांधी क्षेत्र गवलोक कोड़ा को घाघरा दी मल्लापुर शेखोपुर खंडिया आदि जगहों पर काफ़ी साजिंदा दिख रहे हैं। वहीं पर उसी परिप्रेक्ष्य में मद्देनजर रखते हुए आज श्वेता के लोकप्रिय ज्ञान तिवारी और डीएम अखिलेश और उनके साथ में अन्य प्रशासनिक अमला दौरा कर बाढ़ का जायजा लिया। शेखोपुर कमरिया मल्लापुर में भी छोड़ा आज जगहों पर जा करके और जो करीब करोड़ों रुपये से की लागत से जो सरकार के द्वारा अथक प्रयास अपने श्वेता विधायक के द्वारा पास कराकर लाई गई योजनाएं, सैकड़ों हजारों की तादाद में बाढ़ के पीरियड में जो है लोग घरों से बेघर हो जाते थे, लोगों को सड़कों पर रहना पड़ता था। आज उसी को दुख सुख में लोगों के ध्यान रखते हुए ये तकबांध का निर्माण चल रहा है, जहां पर आज शनिवार को 11 जून 2020 को श्वेता के विधायक अपने आला अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना और जायजा किया और काम में तेज़ी लाने की बात कही, जिससे कि बाढ़ से लोगों को निजात मिल सके और कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए और उसकी गुणवत्ता भी परखी। आप देख सकते हैं ये वही तस्वीरें हैं साथ में जो आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा एक काफिले के साथ आपकी गाड़ी यहाँ से भ्रमण करते हुए बाढ़ क्षेत्र में आई, एक किस क्या उद्देश्य था इसका जो कि जिलाधिकारी भी थे? जैसा कि आपने देखा, इससे पूर्व में रामपुर मथुरा का बाढ़ क्षेत्र का दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काशीपुर मल्लापुर कमरिया शेखुपुर और मेवड़ी छलहा में जो बाढ़ क्षेत्र कटान क्षेत्र है वहाँ पे तटबंधों का काम चल रहा है, उसमें तेज़ी आ जाए, कोई गांव कटे नहीं। और जो लोकल स्तर पे काफ़ी मजदूर आए, जैसा कि मैंने ठेकेदारों से कहा भी, उन लोगों को सबको काम में भी मिले ताकि कोई दिक्कत न रहे, वही दौड़ा था। और यहाँ आप लोगों को मालूम है कि 3 बीघे ज़मीन ग्राम समाज की थी, जिसको पूर्व में खाली कराया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोगों ने फिर आगे बढ़ा करके उस पर निर्माण कार्य कर लिया। लेकिन विधायक जी, जैसे सपा की सरकार थी, तत्कालीन सरकार में ये गिरा दिया गया था, इस पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन अब आपकी सरकार में, भाजपा सरकार में अगर ऐसा ये बिल्डिंगें बन गई तो इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। नहीं, देखिए कि जितनी हमारी ज़मीन है सरकार की ज़मीन है, पीछे चूँकि इन लोगों का खेत है और वो सीमा का मैंने वही अभी डीएम साहब का दौरा करा करके मैंने उनसे कहा है कि ये उसको चिन्हित करके जहाँ इनकी ज़मीन है उतना रहे, जो सरकार की ज़मीन पे जहाँ पे जितना कब्जा होगा वो तोड़ा जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने अभी कहा भी है। अच्छा, क्योंकि लोग चूँकि बीच में लॉकडाउन था, बंद था, लेकिन उसका फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने जो बढ़ करके बनाया है, तो इस पर कार्रवाई होगी। जो बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ पर क्या कुछ क्या क्या मिला, जो है क्या क्या देखा? बाढ़ में चूँकि अब 21 जून को जैसा कि आप जानते हैं मानसून आ जाता है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, आज 13 तारीख हो गई है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि 15 दिन का समय, 15 दिन के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लें ताकि कोई भी गांव न कटे और कटान से हमें उसे सुरक्षा को लेकर के और कार्य में तेजी रहे, इसको लेकर के। अच्छा सर, एक गवलोक कोणर को आपने गोद लिया सर, उधर भी एक काफ़ी कटान इस समय भी हो रहा है और जो है काफ़ी वहाँ पे लोग परेशानी में है, जो है फलदार प्रभाव के पास। देखिए, गोलोक कोणर चूँकि एक विधायक को एक गांव गोद लेना था और हमारे यहाँ गोलोक कोणर सबसे बाद क्षेत्र था, पिछली बार दो परियोजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई थी और आपने देखा कि गोलोक कोणर पूरी तरीके से बच गया। आज गोलोक कोणर से 1.5 किलोमीटर नदी बहराइच की तरफ चली गई और लगभग 1100 प्रधानमंत्री आवास शौचालय जो ये सरकार की होती, जो विधायक एक गांव लेगा गोद, उसको सारी लोगों को जितने भी यहाँ पे होंगे पात्र लोग, उनको मकान मिल जाएगा।
तो मैंने गोलोक को लिया था, उसमें 1146 लोगों को। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था तो कुछ जो इसमें परेशानी से लोग परेशान है, इसमें परेशान को जो लोग बाहर से आए हैं उनको हमने, आपने देखा होगा राशन किट 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया उनके खाते में, मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल रहा है और मेरा प्रयास भी है हर प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। काशीपुर से और खमरिया से ऊपर जो नदी है, नदी यल शेप में है, उसके आगे से अगर हम ड्रेजिंग का काम करा देंगे, लगभग 2 किलोमीटर होगा ड्रेजिंग हो जाएगा, तो नदी और 2 किलोमीटर उधर चली जाएगी और इधर का पॉइंट अच्छा हो जाएगा। इन पॉइंटों को निराक्षर करा करके एक शासन को रिपोर्ट जाएगी, उस आधार पे उधर का भी काम कराएंगे। जब ये अगर ये स्ट्रक्चर पड़ा रहा तो मैं समझता हूँ कि 10-15 साल तक तो इसी तरह हो, पानी आवे तो होने वाला नहीं ये सब। इसमें डीएम साहब जो ड्रेजिंग पे हम लोग अगर फोकस दे दें और जो हमारे पास पैसा भी है, जैसे जो बिलो टेंडर हुआ है जो पैसा बचा है उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, अतिरिक्त पैसा भी नहीं लगेगा उससे, उसके माध्यम से हमारा हो सकता है। देखो थोड़ा अब वो मेकेनिकल डिवीज़न है बनारस में, एक लिखा पढ़ी कर दिया जाए इसको कैसे वाराणसी में, तो उन्हीं लोगों को आप लोग नहीं कराते लखीमपुर में कैसे कटवा रहे हैं? लखीमपुर में कैसे कटवा रहे हैं? लखीमपुर वाला सही है, पिछले साल 4 जगहों पर हुआ था। और जब उधर काटने लगेगा सीधा मिलेगा पानी तो इधर का घुमाव कम कर देगा। हर साल जो नुकसान होगा इस पर एक थोड़ा उनकी तरफ से आ जाए और निरीक्षण के दौरान ये हुआ तो आपकी रिपोर्ट चली जाएगी शासन पे, हम परसों कर लेंगे थोड़ा और आप परसों कर लेंगे तो हो जाएगा। वो बहुत अच्छा रहा है, नदियों का जो हाथ जो है मुड़ता है तो मुड़ने के पीछे कारण यही है कि अभी ये सब टीले बनते जाए, ये और बारिश हुई पानी और ऊपर दिख गया तो ये सिल्टिंग और ज़्यादा होगी उस पर, वो पानी वहाँ ऐसे रुकता है, इधर फ्लो रहता है उधर रुकता है, वो जहाँ रुकता है वहाँ बालू और अन्य मिट्टी उधर बैठने लगता है, तो अगले साल धीरे धीरे पहाड़ हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा, इधर से ज़्यादा ऊंचा उधर हो जाएगा, तो फिर कभी नदी उधर जा नहीं पाएगी, हमेशा इधर ही है। और एक बार हो गया तो नाच गया तो उधर जाने लगेगी, उधर फिर अपनी पुरानी जगह हो जाएगी।